मैं विनोद रंग स्कूल बसावता खुद डिस्ट्रिक्ट झुनू राजस्थान जो एसएसवी 4/4/2022 से जो भर्ती जो फिजिकल पीटी टेस्ट चल रहे हैं उनके आए हुए अभ्यर्थीगण जिनसे आज हम आउटडोर में वाई बाई तौर पे गाड़ी के ऊपर वाई बाई तौर पे पूछताछ करते हैं जो पार्टी नंबर 1 यस सर डिटेल हो टेस्ट नंबर 1 कहां से हो रणवीर सिंह डिस्ट्रिक्ट शिखर राजस्थान टेस्ट नंबर 2 बंटी सावरिया कहां से राजस्थान से करौली डिस्ट्रिक्ट तहसील हिंडौन सिटी थैंक यू टेस्ट नंबर 3 संदीप कुमार नेहरा डिस्ट्रिक्ट उन्नाव स्टेट राजस्थान आप मोबाइल पर कॉल पे अनिल सर पूछेंगे बताना बंटी आप ये बताइए कि इसके अंदर वाटर पंप कहाँ लगा देखिए ये जो अपना जो इंजन है ये 4-stroke कंप्रेशन इग्निशन इंजन है डीजल इंजन है उसे कंप्रेशन इग्निशन इंजन के नाम से क्यों जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर हवा को दबाकर दहन प्रक्रिया संपन्न की जाती है तो आप देखिए किस प्रकार से इसके अंदर प्रोसेस होती है ये एयर क्लीनर है जो कि ऑयल बाथ टाइप है ठीक है इसके नीचे का जो हिस्सा है बाउल इसके अंदर ऑयल भरा रहता है और एक फिल्टर रहता है क्योंकि जब वायुमंडलीय हवा आती है तो उसके साथ में धूल मिट्टी के कण भी आते हैं अगर वो धूल मिट्टी के कण इंजन पार्ट्सों में जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनमें घर्षण होगा और उस घर्षण के कारण वो पार्ट्स घिसेंगे तो जो मोटी अशुद्धियां हैं वो ऑयल के साथ के चिपके रह जाती है मेन अशुद्धियां हैं वो भी फिल्टर से बाहर की ओर रह जाती केवल जाने वाली शुद्ध हवा इनलेट मैनिफोल्ड के माध्यम से अंदर प्रवेश करती है तो ये है एयर क्लीनर जो कि वेट टाइप या ऑयल बाथ टाइप आप उन्हें बोल सकते हैं इसके बाद में आप देखिए यहां जो आपको ब्रेक प्रणाली दिखाई दे रही है ये जो ब्रेक प्रणाली है पावर ब्रेक सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड किया गया है पावर ब्रेक सिस्टम को सबसे पहले देखते तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम उसके बाद में सर्वो या वैक्यूम सहायता प्राप्त ब्रेक और तीसरा जो है एयर ब्रेक होते हैं और जो चौथे ब्रेक सिस्टम है पावर ब्रेक में वो इलेक्ट्रिक ब्रेक है हमारे पास में ये जो प्रणाली है ये संयुक्त रूप से प्रणाली है इसमें आप देखें तो इस साइड में आपको जो दिखाई दे रहा है ये वैक्यूम बूस्टर भी बोल सकते हैं इसको या ब्रेक सर्वो भी आप बोल सकते हैं इसको या फिर आप ब्रेक बूस्टर भी बोल सकते हैं इसके नीचे आपको जो ये डिवाइस दिखाई दे रही है ये मास्टर सिलेंडर है और इसके ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये आपका ब्रेक ऑयल कंटेनर है ये जो ब्रेक है ये पावर सिस्टम के अधीन है यानी कि ऑयल और प्लस में वैक्यूम है इनके प्रेशर से ये जो ब्रेक है वो कार्य करते हैं ठीक है इसके बाद में यहाँ आपको जो डिवाइस दिखाई दे रही है इसे विंडशील्ड वॉशर बोलते हैं और यहाँ नीचे की ओर देखिए आप कि जो मोटर है तो ये मोटर है इसी के माध्यम से जो आपके वाइपर है उनको जो ये सॉल्यूशन है वो पहुंचता है और आपकी जो ये जो डोर है इसी से साफ होती है विंडो हाँ इसके बाद में आप देखिए कि इस ओर ये जो आपको पार्ट्स दिखाई दे रहा है ये अल्टरनेटर है पहले क्या हुआ करता था कि अल्टरनेटर के स्थान पर डायनमो यूज हुआ करता था लेकिन जो डायनमो था एक तो साइज में बड़ा हुआ करता था दूसरी बात ये कि उसमें तारंबे की जो वाइंडिंग थी बहुत ज्यादा लगती थी तो कॉस्टली भी काफी था वो तो और गाड़ी की कम ज्यादा स्पीड होती तो बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज नहीं कर पाता था आप देखिए जो अल्टरनेटर है साइज में छोटा है ठीक है तांबे की वाइंडिंग कम होगी तो कॉस्ट में भी कम हो गया कैसी भी परिस्थिति हो गाड़ी लो स्पीड हो चाहे हाई स्पीड हो बैटरी को प्रॉपर तरीके से चार्ज करता है तो वर्तमान समय में डायनमो के स्थान पर अल्टरनेटर प्रयोग किया जाता है दूसरी बात ये देखिए कि जो डायनमो था वो डीसी मोटर हुआ करता था और हमें चाहिए भी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है ये तो अल्टरनेटर है ये तो सही नहीं है गलत होगा लेकिन एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें डायोड या सिलिकॉन रेक्टिफायर लगे रहते हैं जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं और ये यांत्रिक ऊर्जा पाकर विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है जिसके माध्यम से बैटरी आपकी चार्ज होती है जो लाइट मोटर व्हीकल है आप देखिए थोड़ा सा बैटरी के बारे में लाइट मोटर जो व्हीकल है उनके अंदर जो बैटरी है वो 12 वोल्ट की बैटरी होती है ठीक है ऊपर की ओर आपको जो दिखाई दे रही है ये टर्मिनल पोस्ट होती है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव का एक साइन मार्क भी बना हुआ है तो इनके माध्यम से इन टर्मिनल पोस्ट की अपन पहचान कर लेते हैं बाय द वे अगर ये निशान मिट भी जाते हैं तो इसकी पहचान कैसी होगी इसकी पहचान इस माध्यम से करेंगे हमेशा जो
नेगेटिव का टर्मिनल होता है और पॉजिटिव का जो टर्मिनल है वो हमेशा उससे कुछ मोटा होगा और इसके बाद में भी नहीं पता चलता है तो बिना वोल्ट मीटर के हम इसको नहीं ज्ञात कर सकते हैं। वोल्ट मीटर के माध्यम से आप देखेंगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, उसके माध्यम से हमें पता चलेगा। बैटरी के अंदर एक रसायन भरा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में डिस्टिल वाटर का जो घोल होता है, जिसे इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें 6 सेल होंगी, एक सेल की कैपेसिटी 2 वोल्ट होगी। बैटरी है इसके अंदर दो प्लेटें होती है, एक तो नेगेटिव प्लेट और दूसरी पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट है लेड एंटीमनी की, उसके ऊपर परत चढ़ी रहती है, लेड मतलब शीशा, एंटीमनी उस पर जो मटेरियल है उसकी परत। इसके बाद में जो पॉजिटिव प्लेट है वो लेड प्रोक्साइड की बनी रहती है, जिस पर लेड तो शीशा हो ही गया और प्रोक्साइड उसके ऊपर जो परत है वो। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कई बार, जो बैटरी है इसका विशिष्ट घनत्व जानने के लिए अर्थात जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसको किस यंत्र या युक्ति के माध्यम से जांचा जाता है।